हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। हम यूनिट 7 डिस्कस कर रहे हैं पेपर को 08 कॉमर्स की, जिसमें हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डिस्कस करने जा रहे हैं। हम 5 क्लासेस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये हमारी 6th क्लास है। अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ पहले जाके उन्हें देखिए, ताकि आपको आगे के लेक्चर्स और बेटर वे में समझ में आए। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, NPAs। सबसे पहले नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? हमने पढ़ा था कि बैंक का काम होता है लोगों से डिपॉजिट्स लेना और ज़रूरत पड़ने पर लोगों को एडवांसेस देना इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। जब बैंक एडवांसेस देता है तो उसका वो उसके लिए एक एसेट हो जाता है, क्योंकि वो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट की पेमेंट हमें बैंक को वापस करनी पड़ती है। पर कई केस में वो लोन और एडवांसेस जो बैंक देता है वो उसको वापस नहीं मिल पाते और उसके लिए वो मनी डेड हो जाती है, जो कि बैंक की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। पर इस सिचुएशन को पूरी तरह से अवॉइड करना भी इम्पॉसिबल है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज़ अ लोन और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेंड ओवर ड्यू फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक ऐसा लोन और एडवांस होता है जिसके लिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट ओवर ड्यू रहती है फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, जो पीरियड भी बैंक ही स्पेसिफाई करता है। या फिर हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से जब एसेट्स की क्लासिफिकेशन की गई है तो वो पीरियड स्पेसिफाई किया गया है। NPA indicates the amount of loan that was not returned by the customer. वो एक amount ऐसा होता है loan का जो कि customer ने वापस नहीं किया होता। An asset becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank. जब भी कोई asset bank के लिए income generate बंद कर देता है तो वो एक non-performing asset हो जाता है। From the bank's health point of view, higher the NPA, lower will be its health. जितना ज़्यादा non-performing asset होगा bank की उतनी ही कम अच्छी health होगी। Attempt to strengthen a bank is mainly concentrated on NPA management. अगर हम चाहते हैं कि हमारा bank strengthen हो तो हमें concentration करना चाहिए NPA की management के ऊपर। Non-performing asset और NPA is a classification used by financial institutions that refer to loans that are in jeopardy of default. जो भी financial institution को लगता है कि जो ऐसे loans और advances हैं जो हमने दिए हैं लेकिन उनके ऊपर एक danger है default का, उन्हें वो non-performing asset या NPAs का नाम देते हैं। Interest of principal remain overdue. Interest या फिर principal उन non-performing assets पे overdue रहता है। जो अकाउंट है वो आउट ऑफ ऑर्डर रहता है, द अकाउंट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर, द बिल रिमेन्स ओवरड्यू, जो बिल है वो ओवरड्यू रहता है, नो एक्टिव ट्रांजैक्शंस इन द अकाउंट, और उस पर्सन के अकाउंट में कोई भी एक्टिव ट्रांजैक्शंस नहीं होती हैं। एनी अमाउंट टू बी रिसीव्ड रिमेन्स ओवरड्यू, कोई भी अमाउंट जो कि फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या बैंक को मिलना होता है वो ओवरड्यू रहता है इन एसेट्स को, जो कि डिफ़ॉल्ट के डेंजर में या जियोपार्डी में है, इनको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की टर्म का नाम देते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अब कॉजेज पढ़ेंगे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के, कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। कुछ एक्सटर्नल कॉजेज होते हैं जो कि बैंक के कंट्रोल में नहीं होते, और कुछ इंटरनल कॉजेज भी होते हैं जो कि बैंक के या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पार्ट पर ही होते हैं। सबसे पहला है स्पेक्युलेशन, इन्वेस्टिंग इन हाई रिस्क एसेट्स टू अर्न हाई इनकम। कभी कभी जो इंसान, जो बोरोअर बैंक से लोन लेता है वो उनको एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में डाल देता है, और जब उससे अच्छी तरह रिटर्न्स नहीं आ पाती तो बैंक के लोन की और प्रिंसिपल अमाउंट की और इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पाता। इस केस में बैंक ने जो लोन दिया है, जो एक्चुअली उसका एसेट था जिसके पैसे उसको वापस मिलने थे इंटरेस्ट के साथ, वो उसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। डिफ़ॉल्ट, विलफुल डिफ़ॉल्ट बाय द बोरोअर्स। कई बार बोरोअर्स ऐसा करते हैं कि बैंक से लोन ले लेते हैं और जानबूझकर इंटरेस्ट की पेमेंट या प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट नहीं करते अपनी इच्छा से, वो होता है विलफुल डिफ़ॉल्ट बाय द बोरोअर्स। Fraudulent practices. Fraudulent practices like advancing loans to ineligible persons, advances without security or references.
ये डिफ़ॉल्ट बैंक के पार्ट पे होता है। कई बार बैंक क्या करता है कि ठीक तरह से नहीं देखता कि जिस इंसान को मैं लोन दे रहा हूँ वो एक्चुअली एलिजिबल भी है या नहीं, या वो पैसे जो मैं दे रहा हूँ उसका अमाउंट मुझे वापस मिलेगा भी या नहीं। इस केस में वो एसेट, वो लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक के लिए हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स, मोस्ट ऑफ द फंड्स दैट्स डाइवर्टेड फॉर अननेसेसरी एक्सपेंशन एंड डाइवर्जन ऑफ बिजनेस। इसी तरह से काफ़ी सारे फंड हम लोग ऐसी जगह पर लगा देते हैं जो अननेसेसरी एक्सपेंशन होती है, और वो पैसे जब हमें वापस नहीं मिलते तो हम बैंक को देने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरह से बैंक के वो एसेट्स जो हमें उन्होंने लोन देकर बनाए थे वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाते हैं। इंटरनल रीजंस, मेनी इंटरनल रीजंस लाइक इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, लेबर प्रॉब्लम्स, मार्केटिंग फेलियर एट्सेट्रा, रिजल्टिंग इन पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। कई ऐसे इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि बैंक के अंदर भी हो सकते हैं या कंपनीज के अंदर भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से कंपनी अपने इंटरनल फैक्टर्स की वजह से लोन नहीं दे पा रही है, या कई बार बैंक भी ऐसा करता है कि क्योंकि उसके अंदर मैनेजमेंट अच्छी तरह नहीं हो पा रहा है और वो बिना देखे ही किसी को लोन दे देता है। तो इस तरह से ये इंटरनल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बैंक का लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। एक्सटर्नल रीजंस, एक्सटर्नल रीजंस लाइक अ रिसेशन इन द इकॉनमी, जब इकॉनमी में रिसेशन आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होती है, प्राइस राइज होता है, या डिले इन रिलीज ऑफ सैंक्शन लिमिट बाय बैंक, डिलेज इन सेटलमेंट ऑफ पेमेंट्स बाय गवर्नमेंट, नेचुरल कलामिटीज़, इस केसेस में या विलफुल डिफॉल्ट, इंडस्ट्रियल सिकनेस, रिसेशन की वजह से या प्राइस राइज की वजह से जब ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं कि हम बैंक को लोन वापस नहीं कर पाते, तो वो हमारे एक्सटर्नल कॉजेज हो जाते हैं परफॉर्मिंग NPAs। इसके अलावा हम देख रहे हैं हाउ एसेट्स आर क्लासिफाइड। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं हम इन्हें किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। इनकी चार क्लासिफिकेशन होती हैं जो कि है स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट्स। ये चार तरह की क्लासिफिकेशन होती हैं। एसेट्स ऑफ बैंक आर क्लासिफाइड इन टर्म ऑफ इट रीपेमेंट स्टेटस, और इनको इनके रीपेमेंट स्टेटस के हिसाब से इन चार टर्म्स में क्लासिफाई किया गया है, और ये एसेट की क्वालिटी का क्लासिफिकेशन होते हैं। फॉर अ बैंक, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज शुड बी डन टेकिंग इनटू अकाउंट क्रेडिट वीकनेसेस एंड द एक्सटेंट ऑफ डिपेंडेंस ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर रियलाइजेशन ऑफ ड्यूज। बैंक के लिए एसेट का क्लासिफिकेशन डिफरेंट कैटेगरी में होता है जब वो कंसिडर करता है अकाउंट क्रेडिट की वीकनेसेस को, और एक्सटेंट होता है कि वो कितना डिपेंडेंट है कोलेटरल सिक्योरिटीज़ पर अपने ड्यूज़ की रियलाइजेशन के लिए। तो हम इन चार क्लासिफिकेशन को देखते हैं। पहली है स्टैंडर्ड एसेट। स्टैंडर्ड एसेट एक्चुअली नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में नहीं आते। ये वो एसेट्स होते हैं जिन पर मिनिमम रिस्क से लेकर नो रिस्क इन्वॉल्व होता है, ये सही तरह से काम कर रहे होते हैं। स्टैंडर्ड एसेट इज़ वन विच डज नॉट डिस्क्लोज एनी प्रॉब्लम एंड विच डज नॉट कैरी मोर देन नॉर्मल रिस्क अटैच टू द बिजनेस। सच एन एसेट शुड नॉट बी एन NPA। ऐसा स्टैंडर्ड एसेट एक्चुअली कोई NPA नहीं होता, ये सही तरह से परफॉर्म कर रहा होता है। सब स्टैंडर्ड एसेट, अ सब स्टैंडर्ड एसेट वुड बी द वन विच हैज़ रिमेंड NPA फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ। एक ऐसा एसेट जो कि 12 मंथ तक के पीरियड के लिए या उससे कम पीरियड के लिए नॉन परफॉर्मिंग रहा है, उसे हम सब स्टैंडर्ड एसेट बोल देते हैं। वो एक सब स्टैंडर्ड NPA होता है, या तो वो 12 महीने से उस पर कोई पेमेंट नहीं आई, या शायद 12 महीने से भी कम के लिए उस पर कोई पेमेंट नहीं आई। नेक्स्ट कैटेगरी है डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो 12 महीने के लिए सब स्टैंडर्ड एसेट्स रह चुके होते हैं। एन एसेट वुड बी क्लासिफाइड एज डाउटफुल इफ़ इट हैज़ रिमेंड इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। पहले ये पीरियड 18 मंथ्स का था, पर अब इसे डिक्रीज करके 12 मंथ्स का कर दिया गया है। तो ये सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में ऑलरेडी 12 मंथ्स तक रह चुके होते हैं, ये वो एसेट्स होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे लॉस एसेट्स।
an asset that is NPA for a period of more than 36 months is treated as a loss asset, or an asset that cannot be recovered at all is called as loss asset. ऐसा asset जिसके लिए किसी financial institution को या bank को लगता है कि ये asset कभी recover ही नहीं किया जा सकता, हम इसे कभी recover ही नहीं कर पाएंगे, या जो 36 months से ज़्यादा के period के लिए जिसकी जो NPA रह चुका है उसे loss asset कहा जाता है. तो ये हमने देखी चार classification जो थी, substandard, standard, doubtful और loss assets. इसके अलावा हमने NPA के बारे में भी पढ़ा और हमने कुछ causes भी पढ़े. कुछ external causes होते हैं जो कि बाहर के लोगों की तरफ से होते हैं, जो bank के control से बाहर होते हैं, और कुछ internal causes होते हैं जिनमें bank का भी default हो सकता है. कई बार bank के officials nepotism की वजह से शायद, या शायद नहीं देख पाते, उनको उनके पास इतना कंसिड्रेशन नहीं होता कि वो जाके चेक करें कि कौन हमारा लोन रीपे कर सकता है, कौन नहीं कर सकता. तो जब इस तरह से वो लोन दे देते हैं और वो लोन नहीं रिकवर हो पाता तो वो हमारे इंटरनल कॉजेज़ में आता है, और जो रीजंस बाहर वालों की तरफ से होते हैं, बोरोअर्स की तरफ से होते हैं, वो हमारे एक्सटर्नल कॉजेज़ होते हैं. सो होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच. कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग. और आपको इसके नोट्स स्टोर पर मिल जाएंगे जिसमें और भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया और बैंकिंग की जो भी यूनिट है, कंप्लीट यूनिट के बारे में आपको नोट्स मिल जाएंगे. और उसमें कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो कि वीडियो में और स्लाइड्स में नहीं कवर किए जा सकते. तो अगर आप लेना चाहें तो प्लीज़ आप उन नोट्स को ज़रूर लीजिएगा. लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा. थैंक यू सो मच.